सलूम्बर जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ और इसमें लिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के जिले के सभी डिप्टी और थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिस पर जिला स्तर पर डीएसटी टीम का गठन किया गया। इस पर डीएसटी टीम दो थाना क्षेत्रों में दबिश देकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पहले सलूम्बर थाना क्षेत्र में सामरज हरमोड़ फला में एक खेत में मक्की की फसल के साथ खड़े गांजे के 57 हरे पौधों को जब्त किया। इनका कुल वजन 21 किलो और खेत की जमीन मोगा पिता पीथा मीना निवासी सामरझब थाना सलूम्बर की पाई गई है। मौके पर आवश्यक कार्यवाही के बाद थाना सलूम्बर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी झल्लारा रामेंग पाटीदार द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी कार्यवाही गिंगला थाना क्षेत्र के कडूनी गांव में एक खेत पर दबिश दी गई, जहां से अवैध रूप से बोए हुए गांजे के पौधे बरामद किए गए। इनका वजन कुल 24 किलो 75 ग्राम है। इस कार्यवाही में अभियुक्त नाथूलाल पिता केवाजी पटेल निवासी ओरवाड़िया थाना गिंगला को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी लसाड़िया लालूराम जाट द्वारा किया जा रहा है। जिला पुलिस सलूम्बर द्वारा एक ही सप्ताह में एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक तीन बड़ी कार्यवाहियां की जा चुकी हैं। जिले में मादक पदार्थ और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए और भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। ये पिछले दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ सलूम्बर के आसपास क्षेत्र में, खासतौर से जो धारियावास से लगता हुआ एरिया है, उस क्षेत्र में नशे की फसल उगाई जा रही है, खासतौर पर गांजे की। इसके संबंध में मैंने डीएसटी टीम को एक्टिवेट किया कि इसके बारे में सूचना एकत्रित करें। तो आपने देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में हमने तीन कार्रवाइयां तीन थानों में की हैं, एक लसाड़िया में, एक गिंगला में और एक जो है वो सलूम्बर इलाके में। जी जी। तो तीनों जो है वो गांजे की फसल का फसल उगाई हुई पाई गई, तीनों की डोडियां आई हुई पाई गई और मात्रा भी अच्छी खासी मात्रा मिली है, 20 किलो 25 किलो से ऊपर की हर प्रत्येक में। ये हमने तीन कार्रवाइयाँ की हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले साल भर में ही एक भी कार्रवाई नहीं हुई और जिला बनने के बाद डीएसटी ने एक हफ्ते में तीन कार्रवाइयाँ की हैं। इससे आमजन को भी राहत मिलेगी और कम से कम जो नशे का कोई धंधा पनप रहा है तो उसको भी हम शुरू से ही खत्म करने में सफल होंगे। और इस प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधियों में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश भी सब जगह जाना चाहिए।